शनिवार को गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेज हमीरपुर में प्रदेश स्तरीय यूथ फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया। यूथ फेस्टिवल में 10 कॉलेज के विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। यूथ फेस्टिवल का शुभारंभ पूर्व कॉलेज प्राचार्य पीसी पटियाल ने किया। गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेज हमीरपुर में प्रदेश स्तरीय यूथ फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया, जिसका शुभारंभ पूर्व कॉलेज प्राचार्य पीसी पटियाल ने किया। इस अवसर पर गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेज के प्राचार्य रजनीश गौतम ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये उनका सौभाग्य है कि उन्हें यूथ फेस्टिवल का आयोजन करने का मौका मिला है। उन्होंने बताया कि यूथ फेस्टिवल में 10 कॉलेज भाग ले रहे हैं। फिर से सारे हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों से आए हुए प्रतिभागियों को बधाई देता हूं और हमीरपुर के लिए बहुत गौरव की बात है, सम्मान की बात है कि लगातार दूसरे वर्ष ये इतना बड़ा इवेंट, सबसे बड़ा इवेंट जो HP यूनिवर्सिटी का है वो ग्रुप 4 थिएटर ही है जो सबसे ज़्यादा वक्त तक चलता है और इसमें सबसे ज़्यादा प्रतिभागी और सबसे ज़्यादा टीम होती है। इसको मैनेज करने के लिए फिर से एक बार सौभाग्य हमें मिला है, उसके लिए मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभारी। वहीं अन्य कॉलेज से आए स्टूडेंट का कहना है कि इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता रहना चाहिए, जिससे अलग अलग जिलों की बोली सीखने का मौका मिलता है। उन्होंने यूथ फेस्टिवल में प्रस्तुत करने वाले कार्यक्रमों की जानकारी भी दी। संस्कृति का आदान प्रदान, अब कैसे यहाँ लड़कियाँ डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में यहाँ पे भी परफॉर्म करेंगी, हमारी संस्कृति का भी पता चलता है, पहाड़ी में करेंगे, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी हिमाचल की बहुत सारी संस्कृति है, हमें अलग से पता चलता है कि हमारी हिमाचल में इतनी लैंग्वेज बोली जाती है वो तो हमें पता भी नहीं है। हिमाचल में बहुत ज्यादा लैंग्वेज बोली जाती है और कल्चर अलग अलग है, यहाँ से 2 किलोमीटर जाओ अलग कल्चर और 2 किलोमीटर जाओ अलग, तो हमें ये देखने को मिलता है कि हमारा हिमाचल में इतना ज्यादा कुछ है, हमें बाहर तो देखने को बहुत कुछ मिलता है बट यहाँ पे भी बहुत कुछ है। पूरी कोशिश करी है, बस अभी देखते हैं, थोड़ा सा अभी कर रहे हैं और उसके बाद अभी पूरी होप है कि हम अच्छा करेंगे। अभी 10-20 डेज थे हमारे पास तो उसमें हमने जितना किया हम करेंगे बट 100% देंगे। यूथ फेस्टिवल का समापन हमीरपुर के सांसद व BCCI अध्यक्ष अनुराग ठाकुर 13 दिसंबर को करेंगे। बात है आज समझ आई है। K चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट।